काजोल की सिस्टर एंड हिंदी तेलुगु तमिल एक्ट्रेस अनीसा मुखर्जी, जो अपने एक्टिंग करियर में इतना सक्सेसफुल नहीं रही, बट इन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और लगातार काम पे काम करती चली गई। और ये बिग बॉस सीजन 7 का भी हिस्सा रह चुकी हैं और अब ये डांस रियलिटी शो झलक दिखलाजा सीजन 11 का भी हिस्सा हैं। तो आज की इस लाइफस्टाइल वीडियो में बात करेंगे तनीषा मुखर्जी की लाइफस्टाइल एंड लाइफ स्टोरी के बारे में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आप तनीषा मुखर्जी के फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। इनका रियल नेम है तनीषा मुखर्जी और निक नेम से इनको तनीषा कहते हैं। तनीषा प्रोफेशन से एक्ट्रेस हैं और तनीषा का जन्म 3 मार्च 1978 को मुंबई महाराष्ट्र इंडिया में हुआ था और 2023 के हिसाब से आज इनकी एज 45 ईयर हो चुकी है। अब इनके कैरियर के बारे में देख लेते हैं। तो तनीषा 1995 में चैनल बी में एक बेजे थी और तनीषा को बॉलीवुड में पहला ब्रेक करण नाथ के साथ उनकी मूवी से मिला, जो कि 2003 में आई थी। इस मूवी में इनका कैरेक्टर महक गुजराल का था और 2004 में इन्होंने पॉपकॉर्न खाओ मस्त हो जाओ मूवी में भी काम किया और एज अ लीड रोल इन्होंने नीलल की मूवी में काम किया, जो कि 2005 में आई थी। और हम आपको बता दें, इन्होंने हिंदी के अलावा तमिल एंड तेलुगु मूवियों में भी काम किया। फर्स्ट टाइम तमिल मूवी में डेब्यू किया उन्नाले उन्नाले से, जो कि 2007 में आई थी। ये मूवी सक्सेसफुल हिट रही, जिसके लिए ये नॉमिनेट भी हुई विजय अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस के लिए। और वहीं इन्होंने फर्स्ट टाइम तेलुगु मूवी में डेब्यू किया कांति मूवी से, जो कि 2008 में आई थी। इसके अलावा इन्होंने काफ़ी सारी हिंदी मूवी में काम किया, जिनके नाम हैं सरकार, टैंगो चाली, 1-2-3, सरकार राज, कोड नेम अब्दुल। तो हमको कमेंट करके बताना कि इनकी कौन सी मूवी आपको बहुत पसंद है। साथ ही साथ ये टीवी में मोस्ट कॉन्ट्रोवर्सियल शो बिग बॉस सीजन 7 में एज अ कंटेस्टेंट आई थी, जिसमें ये फर्स्ट रनअप रही थी, जो कि 2013 में आया था। और वहीं ये एज अ को जज गैंग और हसनपुर में थी, जो कि 2014 में आया था। और ये कलर्स टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी सीजन 7 का भी हिस्सा रह चुकी हैं 2016 में, और अब साल 2023 में ये झलक दिखलाजा सीजन 11 का भी हिस्सा हैं। तो हमको कमेंट करके बताना कि ये आपको कैसी लगती हैं। अब इनकी फैमिली से मिल लेते हैं। इनके फादर का नाम लेट सोमू मुखर्जी था, जो प्रोफेशन से मोस्ट पॉपुलर फिल्म मेकर थे। इनकी मदर का नाम तनुजा मुखर्जी है, जो प्रोफेशन से एक एक्ट्रेस हैं। इनको आपने काफ़ी सारी मूवियों में देखा होगा। इनकी सिस्टर का नाम काजोल है, जो बॉलीवुड की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस हैं। मैरिटल स्टेटस देख लेते हैं, तो ये अनमैरिड हैं। और हम आपको बता दें, इनके एक्स बॉयफ्रेंड रह चुके हैं उदय चोपड़ा, जो कि प्रोफेशन से एक एक्टर थे, एंड अरमान कोहली, ये भी प्रोफेशन से एक्टर थे। अब इनकी हॉबी के बारे में देख लेते हैं। तो इनको डांसिंग एंड रीडिंग काफ़ी पसंद है। अब इनके फिजिकल स्टेटस के बारे में देख लेते हैं। तो तनीषा की हाइट लगभग 5'1" है। इनका आई कलर ब्लैक और हेयर कलर ब्लैक है और ये नेशनलिटी से इंडियन हैं और रिलीजन से हिंदू हैं। अब इनके हाउस के बारे में देख लेते हैं कि तनीषा रहती कहाँ पर हैं। तो तनीषा अपनी फैमिली के साथ मुंबई महाराष्ट्र इंडिया में रहती हैं। अब इनके कार कलेक्शन देख लेते हैं। तो इनके पास फर्स्ट कार है होंडा क्रेटा एंड सेकेंड कार है स्कोडा रैबिट। अब इनकी इनकम एंड सैलरी के बारे में देख लेते हैं। तो ये लगभग 1.5 करोड़ रुपये पर मूवी चार्ज करती हैं। साथ ही साथ इनकी नेटवर्क देख लेते हैं। तो हम आपको बता दें, इनकी टोटल नेटवर्क लगभग 2 मिलियन $2 है। इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 17 करोड़ रुपये बनता है। तो ये थी तनीषा मुखर्जी की लाइफस्टाइल वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।